फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और आज मेरी मेहंदी वाली लड़की आई नहीं है, मेहंदी वाली स्टूडेंट आई नहीं है, और तो मैंने सोचा बैठे हैं तो थोड़ा सा शूट ही कर लिया जाए और थोड़ा सा खा लिया जाए। तो अगर किसी को पता हो कि ये क्या है तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बताइए कि ये क्या है। तो मैं ये बता देती हूँ कि ये है कैथा, जिसको वुड एप्पल बोलते हैं, जो मैंने दिखाया था। और ये एकदम पका कैथा है जिसको मैं नमक के साथ खाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं बता दूँ, मेरे काम सारे हो चुके हैं और मैं एकदम फ्री हूँ। और मैं फ़िलहाल अभी कैथा खा लूँ, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और आज फ्री ही है, आज कुछ काम है नहीं, और बस यही था थोड़ा सा अपडेट। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी। तो शाम हो गई है और बज रहे हैं शाम के 7:30, क्योंकि नहाने के बाद मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद मैं सो गई थी और मैं उठी हूँ करीब वही 6 बजे के आसपास। और अब मैं आ गई अपने किचन में और यहाँ चढ़े हुए हैं इस कुकर में आलू, और यहाँ दूध पका के मैंने रख दिया है, और कुछ बर्तन हैं सिंक में पड़े हुए जो मुझे धोने हैं। तो मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, और भी छोटे मोटे कुछ काम हैं, उसके बाद फिर हम लोग मसाला पीसेंगे। और आज बनने जा रही है घर में तहरी, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए फटाफट सारे काम निपटा के आते हैं। तो अब हम लोग मसाला आधा मैं छील चुकी थी और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई एज़ यूजुअल। तो बचा कुचा मसाला हम लोग छील लेते हैं, उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे, फिर उसके बाद तहरी की शुरुआत करेंगे। लेट्स गो।
के बीच में ही आया हस्बैंड का फ़ोन, और मैं बता दूं कि हस्बैंड ने कहा है कि उनको आने में थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ी का मतलब है कम से कम आधा या एक घंटा। तो मैंने सोचा क्यों ना बाकी के तब तक बाकी के काम कर लिए जाए, क्योंकि हस्बैंड आएंगे उसके बाद ही तहरी वहरी बनेगी, क्योंकि तहरी और खिचड़ी तो गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। तो अभी फ़िलहाल होने जा रही है सुबह की सब्ज़ी की तैयारी, जो आप लोगों ने आलू देकर चढ़े हुए वो बनेंगे सुबह के लिए, क्योंकि अभी मौसम उतना गर्म नहीं है कि रात की बनी सब्ज़ी ख़राब हो जाए सुबह, और इसलिए सुबह नाश्ते में फ़िलहाल, क्योंकि 7 बजे अमन को, जो मेरे देवर हैं, उनको जाना होता है, तो इतनी सुबह तो इम्पॉसिबल होता है मतलब सारी चीज़ें बनना। तो फ़िलहाल अभी के लिए एक दो दिन बस बन रहा है, उसके बाद से सुबह ही बनेगा। तो फ़िलहाल अभी हम लोग बैठ के आलू छीलेंगे उबले हुए, और जब हस्बैंड आते हैं फिर आपको उनसे मिलवाते हैं। बॉयल पोटैटोज यानी उबले हुए आलू, और ये नमक मिर्चा मिक्स करके मैंने ले लिया है। जो खाता होगा उसको पता होगा कि बहुत इसके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, और जो नहीं खाता है वो एक बार इसको मस्ट है इसको ट्राई करना, मतलब इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको खा लेते हैं, फिर आते हैं हस्बैंड के साथ। हस्बैंड देर से आएंगे, चलिए फिर हम लोग इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे लगी अम्मा अब्बा की शादी की ये खत्म हो गए वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं। आ गए, निकलते ही आए तुम। तो ये हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से वापस, और चाचा जी के घर में चल रही है अम्मा अब्बा की शादी की वीडियो, तो इसलिए अच्छे से मिलवा नहीं पाए थे। तो अभी आ गए हैं और खा रहे हैं नाश्ता, अपना फेवरेट पार्ले जी का बिस्किट और चाय। तो आज थोड़ा लेट हो गए हैं आप आने में, अपने घूमने गए थे। ओके, तो फिर इनको अब सुकून से नाश्ता करने देते हैं और मिलते हैं कुछ ही देर में। तो जी खाना वाना हम लोगों का हो चुका है, और फिलहाल अभी हस्बैंड उल्टे पड़े हुए हैं, और अम्मा अब्बा भी चाचा जी के हैं, उनकी शादी की वीडियो चल रही है तो वो देख रहे हैं, और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 11:30। तो अभी फटाफट से हम लोग सोने की तैयारी करेंगे, और अम्मा अब्बा आते रहेंगे बाद में, क्योंकि अभी वीडियो पूरी जब तक चल नहीं जाएगी तब तक नहीं आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी की वीडियोस रोज़ रोज़ नहीं लगती हैं। तो अम्मा अब्बा को आने देते हैं और हम लोग कर लेते सोने की तैयारी।
तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ खुशनूर्स ब्लॉग। आज जल्दी जा रहे हैं।